हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी एजुज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपके एडमिशन के लिए प्रोसीजर रहता है या जितने भी कोर्सेज करवाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस की यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप एडमिशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिशन रूल, कॉलेज इंस्टीट्यूट, एडमिशन कैपेसिटी और फीस स्ट्रक्चर। पहले जाते हैं हम एडमिशन रूल पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ के अंदर तो आपके मिनिमम मार्क्स है वो 50% नंबर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से आपने प्लस टू की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबल आप हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, जो आपका एडमिशन विल बी मेड एज पर मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओबटेंड बाई द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एग्रीग्रेट ऑफ मार्क्स ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन प्लस टू, ठीक है। और उसके बाद में ये तो होगी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात। तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जैसे फीस स्ट्रक्चर वगैरह, या आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे डिप्लोमा के बारे में। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट के बारे में, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बीबीएससी और आपका बीएफएससी और बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज, तीन कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं जो कि आपके यूजी प्रोग्राम के हैं। तो बीबीएससी के लिए क्या है, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो प्लस टू होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और 50% आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद में बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, अगर आपने प्लस टू कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी फॉर बीएफएससी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन बोर्ड, यानी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कर रखी है तो आप बीएफएससी, बैचलर इन फिशरीज साइंस और बायोटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पीजी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। पीजी कोर्सेज के लिए आपको मास्टर प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज, बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएससी करवाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री करवाई जाती है, एनिमल फिलोसफी के अंदर करवाई जाती है, एनिमल बायोटेक के अंदर करवाई जाती है, बहुत सारे कोर्सेज एमएफएससी कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, इसी के साथ डेयरिंग इंजीनियर कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से एमटेक कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप सारे यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। जो भी कोर्सेज है वो आपके गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी के अंदर करवाए जाते हैं उसकी हमने डिस्कस की। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कुछ नहीं खुले हैं, जैसे इसके एडमिशन वगैरह स्टार्ट होते हैं तो आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो भी नई अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू गाइज़।